के प्रॉब्लम्स को बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझा जाता है जस्ट बिकॉज की बेसिक्स नहीं आते हैं स्टूडेंट्स को। आज मैं इस वीडियो में बेसिक्स सिखाने जा रहा हूँ। कुछ मैंडेटरी से बेसिक्स होते हैं जो सीखने में बहुत इजी होते हैं, अगर आप इनको सीख लेंगे तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। दोनों टर्म कॉमन एंड फैक्टर आपने अक्सर सुने होंगे। कॉमन फैक्टर इसलिए यूज किया जाता है कि जब दो नंबर्स के बीच में से कुछ कॉमन निकालना हो तो आप कॉमन फैक्टर यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, पहले मैं इजी कुछ आपको करके बता देता हूँ कि 16 है एंड प्लस 24 है, इसके बीच में से अगर आपको कुछ कॉमन निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कॉमन निकालेंगे? ऑब्वियसली जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है आपने उसको बाहर निकाल लेना। आपने 8 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। तो जैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ठीक उसी तरह इसी बेसिक को आपको रिमाइंडर्स वाला जो कॉमन फैक्टर होता है उसके लिए यूज करना है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एग्जाम्पल है कि 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, इसका आपको रिमाइंडर निकालना है क्या आएगा। इजी प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसे निकालना चाहे कि 10 को 6 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो 6 1 6 करेंगे एंड 4 रिमाइंडर आएगा, जो कि ट्रू है, किसी को गलत तो लगना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसको आप निकालते हो कॉमन फैक्टर के फॉर्मेट में डाल करके, तो आप इसी प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकते हो 10 व्हेन डिवाइडेड बाई 6। इन दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर आप कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकल के आता है ऊपर से 2 × 5 और नीचे से 2 × 3। जो ऊपर और नीचे में कॉमन है आप इसको बोलोगे कि कॉमन फैक्टर है डिवीजन में। इस कॉमन फैक्टर को आप डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे और ये जो अनकॉमन पार्ट है आप इसी का रिमाइंडर निकालोगे कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो बहुत इजी है, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर आप निकाल लो, रिमाइंडर विल बी 2। एंड ये जो 2 आ रहा है इस 2 को आप बोल दो कि आर डैश है 2, क्योंकि ये पूरे एग्जाम्पल का रिमाइंडर नहीं है, पार्शियल रिमाइंडर है। इसको फाइनल रिमाइंडर बनाने के लिए आपको जो कॉमन फैक्टर आपने यहाँ पे बचा के रखा हुआ जिसको आपने डिवाइड नहीं किया था उसको आप फाइनली ला करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 2 कॉमन फैक्टर था तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल रिमाइंडर आता है रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 4, जो कि 2 × 2 का रिजल्ट है। इसको आप बोल सकते हो कि ये फाइनल रिमाइंडर। देखा आपने, इजी कॉन्सेप्ट है कॉमन फैक्टर का। अब मैं आपको अगला बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। सुनने में बहुत टफ सा फील आता है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से और आराम से आप उसको समझ पाओ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम का, उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू बाद में समझाऊंगा, पहले आप देख लो कि कैसे करना है। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली होती क्या, जब आप इसको लिखते हो, बहुत इजी सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको लिखा जाता है, आप लिखते हो इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab + b²। अगर इसी को आप बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करोगे तो ये बन जाता है 2c0 a^2 b^0। आप देख लो 2c0 को आप ऐसे लिखोगे कि दो में से कुछ भी नहीं आपने लिया, a के ऊपर पूरी की पूरी 2 पावर्स दे दिए और b को एक भी पावर नहीं दिए, 0 पावर दिए। देन दो में से कुछ भी नहीं को हमने 0 करके लिखा था 2c0। अब दो में से एक लेंगे तो a को 1 पावर कम देंगे और b को 1 पावर बढ़ा करके देंगे। फिर 2 में से 2 को ऐसे लिखा है 2c2, a को 1 पावर और कम करेंगे और b को 1 पावर और बढ़ा देंगे। 2c0 का मीनिंग होता है 1 × a² × b^0, 1 हो जाएगा। फिर 2c1, 2c1 को आप 2 लिख लोगे, a^1 को आप a लिखोगे, b^1 को आप b लिखोगे। 2c2, 2c2 आप देखोगे तो 2c2 भी 1 होता है एंड
ए पावर 0 1 होता है एंड बी स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो स्टूडेंट्स को रटा हुआ होता है उसको बेसिकली किया कैसे जाता है, ये पूरा एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम से बना करके लिख दिया। अब इसको अगर आप देखोगे किसी दूसरे नंबर पे अप्लाई करके देखें एग्जांपल के थ्रू, तो इसको ऐसे किया जा सकता है कि अगर मुझे करना है 4 - 1 होल स्क्वायर, तो आपको पता 4 - 1 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आएगा। बट मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, इसमें ये भी होगा तो 2c0 4 पावर 2 एंड देन -1 पावर 0 हो जाएगा प्लस 2c1 4 पावर 1 एंड देन -1 पावर 1 हो जाएगा एंड फाइनली दो में से दो यानी 2c2 4 पावर 0 हो जाएगा और -1 पावर 2 लिखा था। 2c0 1 आएगा, 4 स्क्वायर इज 16 एंड -1 पावर 0 1 होगा, 2c1 इज 2 इंटू 4 पावर 1 इज 4 एंड -1 पावर 1 इज -1, 2c2 इज 1 4 पावर 0 इज 1 एंड -1 स्क्वायर इज 1। यहाँ से ये 16 निकल के आता है, ये होगा -8 और ये होगा 1, तो आपका 16 - 8 + 1 फाइनल निकल के आता है 9। देखा आपने बायनोमियल थ्योरम इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप इस तरीके से जो आपने चीजें बहुत बार की हुई हैं लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर को एग्जांपल बना करके सीख के करोगे तो ये बहुत इजी है। देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज माना ये जाता है कि ये प्लस वन प्लस टू में जिन्होंने मैथ्स लेके पढ़ाई की होगी वो लोग इसको कर सकते हैं, बाकी कोई इसको समझ नहीं पाएगा। बट ये सब के समझने वाली बात क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक और हायर स्टडीज में पढ़ते ही रहते हैं। अब इसके आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर है कि रिमाइंडर्स के क्वेश्चन में जब निगेटिव टर्म आ जाती है तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर को भी मैं आपको पहले बेसिक एग्जांपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में मैं उसको एप्लीकेशन कैसे करना वो आपको करके दिखाऊंगा। तो आप देखो अगर लिखा हुआ है 15 एंड उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 3 12 लिख करके आप रिमाइंडर को बोलते हो कि रिमाइंडर 3 आएगा। अगर इसी 15 को 4 से डिवाइड करना है और आप 4 3 12 ना करके 4 4 16 कर देते हो तो 15 में से 16 माइनस करोगे तो वो रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाएगा -1। ये दोनों ही करेक्ट है, इसको आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, इसको आप बोल सकते हो नेगेटिव रिमाइंडर है। तो होता ऐसे है तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, 15 को अगर आप डिवाइड करते हो 4 से एंड रिमाइंडर निकालते हो 4 3 12 करने के बाद रिमाइंडर आपका आता है 3। तो नेगेटिव वाला जब आप देखोगे तो 4 से डिवाइड करने से नेगेटिव में रिमाइंडर -1 आ जाता है, तो ये नेगेटिव वाला रिमाइंडर जो -1 आ रहा है नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, इस नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने का तरीका होता है कि आपने जो भी नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -1 उसमें जो डिवाइजर था आपका 4, इस डिवाइजर को आपको ऐड कर देना तो +4 करके आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 3। इसी को आप बोल सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में इंटरमीडिएट स्टेप्स में यूज करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी पीछे पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है रिमाइंडर ऑफ 289 ब्रैकेट्स 256 पावर 15 व्हेन डिवाइडेड बाय 17 पावर 4। आपको रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर बायनोमियल थ्योरम इन सब चीज़ों का यूज होगा। चलिए कैसे इसको करना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसको बड़े आराम से कर पाएंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। क्वेश्चन
आपको जो 289 दिख रहा है, ये 289 17 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, साथ में ये 256 है, 256 को आप लिख सकते हो 16 स्क्वायर एंड देन उसका होल पावर 15। इस तरीके से क्वेश्चन को मैंने रीफ्रेम कर दिया और नीचे वाला 17 पावर 4 जो है 17 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर होल करके उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये 17 स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, इस पार्ट को बोल दिया जाएगा कि ये एक कॉमन फैक्टर है डिवीजन में और ये डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कॉमन फैक्टर। बाद में जब आप अनकॉमन पार्ट का रिमाइंडर निकालोगे, इस पार्ट का रिमाइंडर आप निकालोगे, तो इस पार्ट का रिमाइंडर निकालने के बाद जो भी आएगा रिमाइंडर उसमें 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइनली फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए। तो अब इस पोर्शन को हमको सॉल्व करना है। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन को अब फिर से रीफ्रेम कर रहा हूँ। 16 स्क्वायर पावर 15 है वो 16 पावर 30 हो जाएगा एंड 17 स्क्वायर से उसको डिवाइड कर। इसका जो भी रिमाइंडर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आर डैश कह देते हैं उसको, उस आर डैश में ये 17 स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल रिमाइंडर मिलने वाला। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको निकालना पड़ेगा 16 पावर 30 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर। अब ऊपर वाला जो 16 है, इस 16 को भी मैं लिख रहा हूँ 17 माइनस 1 होल पावर 30 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर। अब न्यूमरेटर पार्ट 17 माइनस 1 पावर 30 को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये फर्स्ट टर्म आपको देगा 30C0 17 पावर 30 एंड माइनस 1 पावर 0। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म होगा इसका 30C1 17 पावर 29 एंड माइनस 1 पावर 1। इसी तरीके से करते करते जब आप फाइनली लास्ट टर्म पे पहुंचोगे तो लास्ट टर्म इसका आने वाला है सीक्वेंस में 30C30 17 पावर 0 हो जाएगा उस केस में एंड माइनस 1 पावर 30 होगा। इससे पहला टर्म जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा उसको भी मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। लास्ट टर्म आप लिखोगे, उससे पहले सेकेंड लास्ट टर्म को लिखने के लिए फिर आप लिखोगे 30C29 17 पावर 1 एंड माइनस 1 पावर 29। इससे पहले वाला टर्म अगर वो लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो 30C28 उसमें होगा 17 का स्क्वायर एंड माइनस 1 पावर 28। इस पूरे एक्सपेंशन को अगर आप देखोगे कि आपको 17 के स्क्वायर से डिवाइड करना है तो हर वो टर्म जिसमें 17 का स्क्वायर आता है उसका रिमाइंडर जीरो होना चाहिए 17 स्क्वायर से काटने को। तो 17 स्क्वायर से ये वाला टर्म अगर कटेगा तो ये पूरा कट जाएगा, इसका रिमाइंडर जीरो होगा और इसके पहले वाले स्टार्टिंग से लेकर के 17 के स्क्वायर वाले टर्म तक सबका रिमाइंडर जीरो आएगा। 17 पावर 30 को भी काटते तो भी रिमाइंडर जीरो आता, 17 पावर 29 को काटते तो भी रिमाइंडर जीरो आता। इसका मतलब रिमाइंडर 17 स्क्वायर से अगर कुछ आ सकता है तो केवल इस टर्म से लेकर के इस टर्म तक ही आ सकता है। तो आपने देखा ये पूरा टर्म 17 स्क्वायर से काटेंगे तो पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये कितना आने वाला, फिर उसके बाद 17 स्क्वायर से इसका रिमाइंडर कितना आएगा वो रिमाइंडर निकाल। इतनी टर्म को मैं फिर से लिख रहा हूँ जैसा कि आपने देखा। अब इसके अंदर से किसी पार्ट में जिसमें रिमाइंडर आ सकता है उस रिमाइंडर को निकालने के लिए जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था उतना पोर्शन में केवल लिख रहा हूं, वो होगा 30C29 17 पावर 1 माइनस 1 पावर 29 एंड
थर्टी सी थर्टी 17 पावर 0 माइनस 1 पावर 30। इसमें ही आप रिमाइंडर निकालोगे 17 स्क्वायर से कितना आने वाला, 30 सी 29 आप निकालोगे तो ये 30 आएगा, फिर 17 पावर 1 है वो 17 रहेगा एंड माइनस 1 पावर 29 है ये माइनस 1 आएगा, प्लस 30 सी 30 1 होगा, 17 पावर 0 ये भी 1 होगा एंड माइनस 1 पावर 30 ये भी 1 होगा, नीचे 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर से आपका फर्स्ट पार्ट ये जो निकल के आता है ये आता है, आप इसको चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो फिर से 17 को कॉमन लेकर के कॉमन फैक्टर से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे माइनस 1 इंटू 510 लिख दे रहा हूँ, इसको 17 स्क्वायर से मैं इसको कट कर रहा हूँ। इस पोर्शन को आप 1 लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर, इसका रिमाइंडर तो आपको 1 मिल जाएगा इस पोर्शन का। इस पोर्शन को अगर काट के देखेंगे तो आप आराम से 289 से 510 को डिवाइड करके देखो, 289 से 510 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 289 मीन्स 17 का स्क्वायर जो नीचे, तो वो वनजा पे 510 होगा, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 510 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको वनजा पे अगर आप करोगे तो 17 का स्क्वायर 289 वन टाइम्स 289 होगा, 510 में से जो बचेगा वो उसका रिमाइंडर बोला जाएगा। इसका रिमाइंडर आपको मिलने वाला है 221। ये माइनस 1 के साथ में 221 मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस 221 हो जाएगा एंड माइनस का जो रिमाइंडर होगा वो 17 स्क्वायर 289 से माइनस 221 करेंगे तो इस पोर्शन का रिमाइंडर आएगा 289 माइनस 221। 289 माइनस 221 करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 8 6 पॉजिटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर 68। इस पोर्शन का रिमाइंडर आ गया पूरा अगर कट होता तो 221 को भी हम हटा देते 68। अब फाइनली मैं 17 स्क्वायर से यहाँ पे अब मेंशन कर दे रहा हूँ कि इस पोर्शन का रिमाइंडर आया 68 एंड इस पोर्शन का रिमाइंडर आया 1, दोनों ऐड हो जाएंगे तो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 69 एंड 69 रिमाइंडर अगर ये यहाँ पे आता है तो R डैश की वैल्यू आ गई 69 को आप 17 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, कैलकुलेशन के बाद वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ लिख देता हूँ 19941, ये आपका फाइनल आंसर, आप इसको बोल सकते हो कि ये आंसर। तो देखा आपने ये सारा प्रोसीजर पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, अगर आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पहले उस डाउट को आप अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लीजिए, फिर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे।